हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले अपकमिंग CB 150 RX मोशन के बारे में। दोस्तों, CB 150 RX मोशन होंडा की तरफ से एक बहुत ही प्रीमियम बाइक आती है, बट दोस्तों इंडियन मार्केट में इसे फिलहाल अभी तक लॉन्च नहीं किया गया है। हम काफ़ी सालों से वेट कर रहे हैं इस बाइक को होंडा इंडियन मार्केट में लॉन्च करे, बट फिलहाल अभी तक इस बाइक को इंडियन मार्केट में लॉन्च नहीं किया गया है। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या ये बाइक इंडियन मार्केट में लॉन्च होगी, कब तक लॉन्च होगी, क्या इस बाइक में चीज़ें होने वाली, सारी चीज़ें आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन पर आप तक पहुँचते रह सके और आप मेरे वीडियोस अपडेट रह सकें। सो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं दोस्तों, इंडिया में इसके लॉन्च होने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि दोस्तों इंडियन मार्केट में अभी 150 सेगमेंट की जो बाइकें हैं इनका जो क्रेज़ है दोस्तों बहुत ज़्यादा है। इवन भाई आपको बताया कि होंडा की इनकी CB 300R इंडियन मार्केट में लॉन्च हो गई है। बताओ, इससे बड़ी बाइक इंडियन मार्केट में लॉन्च हो गई है लेकिन 150R लॉन्च नहीं हुई है। तो ऐसा तो नहीं है कि कंपनी बड़ी बाइक लॉन्च कर सकती तो फिर छोटी नहीं कर सकती। जाहिर सी बात है कि छोटी भी कर सकती है, लेकिन दोस्तों लॉन्च डेट कब तक हो सकता है ये बड़ा क्वेश्चन बना हुआ है। बट दोस्तों, जहाँ तक मुझे पता है, ये बाइक इंडियन मार्केट में इस साल जो है 110% होंडा इंट्रोड्यूस कर सकती है। बाकी कौन कौन दोस्तों इस बाइक का वेट कर रहा है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों इस बाइक के बारे में। दोस्तों, फ्रंट में इस बाइक में आपको राउंड शेप में फुली जो LED लाइट है वो आपको इस बाइक में देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा लगता है। दोस्तों, इसकी जो मेन लाइट की इल्यूमिनेशन और जो विजिबिलिटी है ना, वो भी आपको बहुत अच्छी देखने को मिलेगी रात में भी। मतलब मैंने देखा है इसकी नाइट टेस्टिंग वीडियो, मतलब फॉरेन वाली वीडियो में, कि भाई लोग बताते हैं कि इसकी लाइट एक्चुअल में बहुत ज़्यादा अच्छी है। टर्न सिग्नल लैंप आपको इस बाइक में LED देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट में दोस्तों इस बाइक में आपको 37mm के USD यानी कि अप से डाउन सस्पेंशन मिलता है, जो कि काफ़ी प्रीमियम है। फ्रंट में 180-180 के आसपास के टायर साइज आते हैं। बात करें ब्रेकिंग के बारे में, दोस्तों ब्रेकिंग में इस बाइक में आपको स्पेशल फीचर में डुअल चैनल एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है। जी दोस्तों, ABS है, जो कि डुअल चैनल ABS आपको बाइक में देखने को मिलता है। और अगर मैं बात करूँ इसकी प्लेट साइज के बारे में, तो फ्रंट में इस बाइक में 282 के आसपास की प्लेट साइज इस बाइक में कंपनी ऑफर करती है। चलिए बात कर लेते हैं इस बाइक के इंजन के बारे में। दोस्तों, इंजन टाइप में इस बाइक में आपको बता दूं, 149cc का एयर कूल 4:2 लिक्विड कूल 4-valve SOC जो इंजन है वो आपको इस बाइक में देखने को मिल जाता है। बात करें पावर एंड टॉर्क के बारे में, दोस्तों ये बाइक आपको बता दूं 18.5 के आसपास का PS पावर जनरेट करती है, एंड लगभग इस बाइक में आपको 14.2 के आसपास का जो न्यूटन मीटर टॉर्क है वो आपको इस बाइक में देखने को मिल रहा है। सो जाहिर सी बात है, 150 सेगमेंट के हिसाब से बाइक में आपको काफ़ी अच्छी पावर देखने को मिल रही है, और बाइक की जो परफॉर्मेंस है वो आपको बहुत अच्छी देखने को मिल जा रही है। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूँगा, ये बाइक 6 गियर के साथ में आती है, इसमें लिक्विड कूल इंजन आता है, इसमें स्लीपर क्लच भी आता है, और इस वीडियो में हमें क्विक शिफ्टर भी देखने को मिल जाता है। तो इंजन इस बाइक का बहुत ही प्रीमियम और बहुत अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा। बात कर ले दोस्तों इस बाइक के माइलेज एंड परफॉर्मेंस के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें, ये बाइक मिनिमम आपको लगभग 45 के आसपास का जो माइलेज है वो आपको निकाल कर देती है। दोस्तों, आपको बता दो, 0 to 100 में इस बाइक को लगभग 9 सेकेंड के आसपास के लगते हैं। इस बाइक की टॉप स्पीड आपको 140 km/h के आसपास की जो टॉप स्पीड है वो आपको इस बाइक में देखने को मिल जाती है, मतलब टॉप एंड परफॉर्मेंस भी आपको बहुत अच्छी मिलेगी। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों अब इस बाइक के रियर प्रोफाइल में। टेल लाइट में इस बाइक में LED टेल लाइट आता है, जो कि काफ़ी प्रीमियम और काफ़ी अच्छी लगती है। रियर में दोस्तों इस बाइक में आपको बता दूँ, 220mm के आसपास की डिस्क प्लेट देखने को मिलेगी। रियर में इस बाइक में आपको जो सस्पेंशन है दोस्तों, आपको मोनोसोक सस्पेंशन मिलेंगे। सस्पेंशन की जो क्वालिटी है वो भी आपको बहुत सुपर देखने को मिल जाती है। दोस्तों, आपको बता दूँ, रियर में आप लोगों को इस बाइक में 150-160 के आसपास के टायर साइज देखने को मिलते हैं। बात करें इस बाइक के स्पीडोमीटर के बारे में, स्पीडोमीटर में दोस्तों इस बाइक पे आपको फुली जो है डिजिटल मीटर देखने को मिलेगा, जिसमें आपको काफ़ी सारे जो फीचर है आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, ट्रिप मीटर, ऑडोमीटर, क्लॉक, ABS लाइट, फ्यूल गेज, सर्विस रिमाइंडर, लोअल इंडिकेटर, लो बैटरी इंडिकेटर, डिस्टेंस टू एम्प्टी इंडिकेटर, ऐसे सारे फीचर भी आपको इस बाइक में देखने को मिल जाते हैं। मतलब अगर आप फीचर वाइज जाएंगे तो भी ये बाइक बहुत अच्छी निकल के आती है, और कंपनी ने इसे बहुत ही बेहतरीन बनाया है। क्वेश्चन मार्क बस यही आता है कि भाई ठीक है, सारी चीज़ें अच्छी है, बट इंडिया में लॉन्च कब होगी। देखिए दोस्तों, आपको बता दूँ, अब बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कंपनी इस बाइक को इंडियन मार्केट में लॉन्च करेगी, क्योंकि दोस्तों अभी इंडिया में आपको पता है बाइकों का जो क्रेज़ है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है। जिस हिसाब से बाइकों का क्रेज़ है, उस हिसाब से मुझे लगता है दोस्तों ये बाइक इंडियन मार्केट में बहुत जल्द जो है लॉन्च होने वाली है, और इसका प्राइस जाएगा लगभग 1,70,000 रुपये के आसपास की जो है ये बाइक एक्सट्रीम प्राइस जाएगी, मतलब MT 15 की कड़ी टक्कर होने वाली है। बाकी कौन कौन चाहता है ये बाइक इंडियन मार्केट में लॉन्च हो,
तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।